चलिए चलिए हाँ जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। ये सीट है। आइए बैठिए। कन्ना साहब आओ जी आओ। बैठो 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 बैठो। हाय मक्के। हेलो जी। Enough. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the Just One competition. अजीब कंपटीशन है जी। बच्चों को बकबक करना पड़ता है स्टेज पे आके और टॉपिक भी उनको जी यहीं आके दिया जाता है किसी कटोरी विच पाके। जी जी। On the spot, जी on the spot. Stop it, Balbir. Control yourself. कोई बात नहीं जी, मारने दीजिए। Remember, हर स्टूडेंट को सिर्फ एक ही मिनट दिया जाएगा। Just one minute. Just a minute. और just one minute मतलब एक मिनट। मैं भी यही कह रहा हूँ जी, बहुत प्रॉब्लम है ये तो। लेकिन फिर भी हमारी जस्सू तो हर साल जीतती है। She's so talented, you know. Best of luck, Jaswinder. Same to you. भाई साड़ी जसविंदर तो बेस्ट है जी, बेस्ट। एक्चुअली अंजलि भी कंपटीशन में पार्ट ले रही है। सेकंड आ जाएगी जी, नॉट टू वेरी। थैंक यू वेरी मच। वेलकम जी, वेलकम। पहले कॉन्टेस्टेंट है जसविंदर सिंह। ओ मेरी बच्ची, ओ नसीब चक दे, ओ चक दे, जस्सू, जस्सू, ओ चक दे। मेरा टॉपिक है पूजा। हम हर सुबह वाहेगुरु की पूजा करते हैं। पापा कहते हैं कि पूजा करने से वाहेगुरु खुश हो जाएंगे और हमारी रक्षा करेंगे। पर मम्मी कहती है कि पूजा करने से दादी खुश हो जाएगी और हमें बड़ा मकान छोड़ जाएगी। पूजा हाँ, पूजा बट मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है और मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम भी पूजा है। ओके थैंक यू। And your timer starts now. माँ वो है जो हमको इतना प्यार करती है कि कभी कभी हम खुद उस प्यार को समझ नहीं पाते। माँ वो है जो हमको एहसास दिलाती है कि हम कितने अच्छे हैं, हमसे अच्छा और कोई है ही नहीं। माँ वो है जिसकी खुशी हमारी हंसी से है, जिसका दुख हमारे दुख से है। माँ वो है जिसके बिना हम जी नहीं सकते। माँ, माँ सब कुछ है, बस हमारे पास ही नहीं है। लेकिन हमारे पास पापा हैं और वो भी काफी अच्छे हैं। ओए नंबर वन है जी, नंबर वन। पता है राहुल, वो अपनी शर्मा जी है ना, शर्मा जी, उनका फोन आया था। कौन शर्मा जी? वो अपने दिल्ली के पड़ोसी। अच्छा। उन्होंने रिश्ता भेजा है। किसके लिए? मेरे लिए। तो कर लीजिए ना। चुप। वैसे वो कह रहे थे कि लड़की बहुत सुंदर है, सुशील है। मैंने तो साफ इनकार कर दिया। ठीक किया ना? हाँ ठीक किया। हाँ
ठीक किया मैंने? हाँ माँ। हाँ तो फिर मैंने ठीक ही क्या होगा, मैं वैसे भी कौन सा काम गलत करती हूँ, हर काम ठीक ही तो करती हूँ मैं। अब लड़की सुशील है तो क्या हुआ, सुंदर है तो क्या हुआ, हर लड़की आजकल सुशील ही होती है, सुंदर ही होती है। यहाँ किसको शादी करनी है? शर्मा जी भी अजीब पागल है, मुझे फोन करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, रिश्ते भेजते रहते हैं, खुद अपनी शादी क्यों नहीं करते, मेरे पीछे क्यों पड़े? क्या हुआ माँ? पता नहीं राहुल, मुझे अब ये परिवार अधूरा सा लगता है। क्यों? आप हो, मैं हूं, अंजलि है, मुझे तो अधूरा नहीं लगता। पता है जब मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जाती हूँ तो वो सब अपनी बहू की बुराइयां करती हैं। अच्छा? मैं तो वो भी नहीं कर सकती। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यानी आपको बहू इसलिए चाहिए कि आप उसकी बुराई कर सको? नहीं बेटी, मुझे तो सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए। मैं तो खुश हूं, बहुत खुश हूं। तुम दूसरी शादी नहीं करोगे? माँ हम एक ही बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, शादी भी एक ही बार होती है और प्यार भी एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता। तुम तो अपने आप को संभाल लोगी बेटी, लेकिन अंजलि? क्यों, क्या हुआ उसको? तुम्हें नहीं लगता उसे एक माँ की जरूरत है? वो ठीक है ना? क्योंकि उसके पास वो है जो मेरे पास भी नहीं, उसकी मां की चिट्ठियां।